इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप घर में रहो तो घर में रहो, बाहर रहो बाहर रहो, करा ले रहो करा ले रहो, बैठे साथ में पिटपिटा रहे हैं रास्ते में, कोई अर्थ नहीं। जीवन का सुख चला जाएगा। सुख चाहिए तो शिव साधना का अभ्यास करिए। यह राम कथा भगवान शिव ने गाई, क्योंकि श्री राम चरित्र के प्रथम दर्शक हैं भगवान शिव। जो भक्त होता है उसकी सृष्टि को देखने की अपनी दृष्टि होती है, ज्ञानी की अपनी दृष्टि होती है। हाँ, कभी कभी देखो मर्दे और बर्दे पर कभी कभी पड़ता है। वो कोई आदमी नहीं है जिसके ऊपर दबाव नहीं है। दबाव और अभाव ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक सूत्र है। दबाव में रहना चाहिए और अभाव में रहना चाहिए। जीवन में अभाव नहीं रहा तो आपकी संतान आर्यन खान बन जाएगी। दबाव बहुत जरूरी है। मैंने सुना जब वो बच्चा जेल में रात भर रहा, आप विचार करो, बादशाह खान का बच्चा जहां ऐश्वर्य में दौड़ रहा हो वो जेल में कैसे रहा होगा? केवल अभाव का दर्शन नहीं हुआ, नहीं तो एक पद है, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भैली शबरी जी, राम गुण गाय के मगन भैली शबरी जी, राम गुण गाय के हे, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भैली शबरी जी, राम गुण गाय के मगन भैली शबरी जी, राम गुण गाय के। कोई चढ़े हाथी घोड़ा पलकी सजाए के, 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 साधु चले भुइया भुइया चिटिया बचाए के, साधु चले भुइया भुइया चिटिया बचाए के, मगन भइल सबरी जी, राम गुण गाए के, मगन भइल सबरी राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भैले सबरे जी, राम गुण गाय मगन भैले सबरे जी, राम गुण गाय के। कोई सोवे गदवा बिछाए के, कोई सोवे पलंगा पे डलवा बिछाए के, कोई सोवे पलंगा पे गदवा बिछाए के, कोई सोवे पलंगा पे गदवा बिछाए के, कोई सोवे पलंगा पे गदवा बिछाए के, साधु सोवे तख्ता पर कमरी बिछाए के, साधु सो
तख्ता पर कमरी बिछाई के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के जे राम गुण गाए के ओ राम गुण गाए के राम गुण गाए के ओ राम गुण गाए के मगन भइल सबरे मैया राम गुण गाए के मगन भइल रबड़ी बनाई के कोई खावे माल पुआ रबड़ी बनाई के कोई खावे माल पुआ तस्मई मिलाई के कोई खावे माल पुआ तस्मई मिलाई के साधु खावे रूखा सूखा भोगवा लगाई के साधु खावे रूखा सूखा भोगवा लगाई मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के 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 अरे राम गुण गाए के हो राम गुण गाए के राम गुण गाए के हो राम मैया मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के कहि कबीर बाबा आसन लगाए के कहीं कबीर बाबा आसन लगाए के कहीं कबीर बाबा आसन लगाए के कहीं कबीर बाबा आसन लगाए के श्री राम के भजन करो सब कुछ भुलाए के राम के भजन करो सब कुछ भुलाए के मगन भइल सबरे राम गुण गाए के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के मगन भइल सबरे जे राम गुण गाए के दबाव और अभाव ये जीवन में दो बना रहेगा तो स्वभाव सीधा बना रहेगा। जिसको दबाव नहीं है वो उच्छृंखल हो जाता है, जिसके अभाव नहीं है वो उत्पाती हो जाता है। इसलिए जीवन में अभाव भी आवश्यक है और दबाव भी आवश्यक है। इन दो परिस्थितियों के उपस्थित रहने पर हमारा स्वभाव सदा रहता है। जो भाव में रहता है वही भजन करता है, जो दबाव में रहता है वही मेहनत करता है। और आज का तीसरा सूत्र स्मरण रखिए, अभाव रहे दबाव रहे, और तीसरी बात अपने जीवन भर के लिए प्रयास करना है, अपनी पीढ़ियों भर के लिए प्रयास नहीं करना है। जीवन भर के लिए अर्थ कितना अनर्थ न पैदा करे, सुख कितना कि दुखी न कर दे। यह सूत्र भोले बाबा के जीवन से क्या दिव्य शिक्षा है। उन्होंने न गणेश भगवान के लिए कुछ सोचा, न कार्तिकेय भगवान के लिए कुछ सोचा, अरे
गणेश भगवान अपना भजन करके भगवान का, माता पिता का, राम नाम का, अपना भजन अपने द्वारा किए गए भजन के प्रताप से महिमा जास जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव दावा तारक असुर का विनाश करने के लिए कार्तिकेय स्वामी दक्षिण भारत चले गए। वहां उनका साम्राज्य है मुरुगन नाम से, मुरुगन स्वामी कहे जाते हैं। अपना समय भजन में, अपना अर्थ दान में, अपना जीवन पुण्य अर्जन में इकट्ठा कर और हम उत्पाद करने के लिए छोड़ जाएं, ये सिद्धांत श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? यूं ही अपने अपने जीवन में आनंद रखो, बढ़ने दो। दान में वस्तु चाहिए तो अर्थ दान के लिए, पुण्य में वस्तु नहीं चाहिए। बारंबार मैंने निवेदन किया स्कंद पुराण के अनुसार, पुण्य में आपका संकल्प चाहिए। दान में वस्तु चाहिए, वहां अर्थ चाहिए, पुण्य के लिए अर्थ नहीं चाहिए। यदि पुण्य से अर्थ इकट्ठा होता तो केवट जी को रामचरण न मिल पाता, जबकि देवता लोग कहते हैं बरसे सुमन सुर सकल सिहाई एही सम पुण्य पुंज को। इस केवट के समान कोई पुण्य गुच्छ नहीं है। देवता भी केवट जी के जीवन की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? इतना वो पुण्यशाली है। मेरे प्रभु ने भक्ति योग प्रसंग में लक्ष्मण भैया के प्रति कहा है, पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद मन से, कर्म से और वचन से। विप्र अर्थात भगवान के भक्त की, ब्राह्मण की, साधु की, संत की, ऋषि की मानसिक, कायिक और वाचिक पूजा, मन शुद्धा, अभ्यर्थना, जो करता रहे, सोचता रहे, इसी में रमा रहे, वो पुण्यशाली है। का लगना है हरना फटकरी रंग चोखा। पुण्य बढ़ाने में कोई खर्च नहीं है। एक बार पुनः तुलसी मैया के बिरवा का दर्शन करने मात्र से पुण्य बढ़ता है। आप स्क्रीन देख रहे होंगे, भगवान के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। ये व्यास आसन है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, व्यास पीठ के दर्शन मात्र से पुण्य बढ़ता है। व्यास आसन है भगवान कृष्ण व्यास जी, ये भगवत अवतार है। गौ माता के गौशाले के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, दिव्य नदियों के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। पीपल, वट, पाकर, आम, केला, जामुन, इन वृक्षों को देखकर प्रणाम करने मात्र से पुण्य बढ़ जाता है। क्या लगना है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।